दोस्त ये है एप्पल के एयरपॉड प्रो सेकंड जनरेशन और ये मुझे 600 रुपए मिले और इसको मैंने नेहरू प्लेस के एक मार्केट से लिया था, उसकी स्पेसिफिक वीडियो बनाई है, वो भी चेकआउट कर लेना। तो इसी को ऑनलाइन देखने जाओगे तो ये 1800 से 2000 के अराउंड में मिल रहे हैं, बट मैंने इसको 600 रुपए में ग्रैब किया। ये वाले जैसे ओरिजिनल में कनेक्ट होते हैं वैसे मेरे सेम आईफोन में कनेक्ट होते हैं। इसमें नॉइस कैंसिलेशन वाला शो कर रहा था, ट्रांसपेरेंसी मोड शो कर रहा था। आज की वीडियो में बताऊंगा कि क्या है ये असली सच, ये 600 वाले रिव्यू करने वाला हूं टोटल इन डेप्थ, क्या आपके लिए वर्थ हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं बता दूंगा। सो वेट वेट, वीडियो में जाने से पहले मेरा नाम है पंकज और आप देख रहे हैं हमारे चैनल नमस्ते टेक, जहां पे हम ऐसे टेक रिलेटेड और काफी धुआंधार सी वीडियोस बनाते हैं। तो प्लीज काइंडली सब्सक्राइब कर लेना, बिकॉज 99% लोग देख रहे हैं बट सब्सक्राइब नहीं करते। क्या कर रहे हो, आपका काम बनता है एक सब्सक्राइब करना, प्लस ये वीडियो पसंद आएगी ना स्पेसिफिक एक एक बंदा देख रहा है लाइक कर देना, इसी पावर में रहूंगा। अब सीधे चलते हैं अपने वीडियो की तरफ और अनबॉक्सिंग की बात करें। ये बॉक्स देखने को मिलता है और आगे पीछे ऑलमोस्ट जैसे ओरिजिनल में प्रिंट्स होते हैं वैसे ही सेम मिलता है। बॉक्स ओपन करोगे डॉक्यूमेंट सबसे पहले मिलते हैं, डॉक्यूमेंट्स हटाओ केस पील में आता है और यार जो फील आ रही है ना ओरिजिनल जैसी लगी। इसके नीचे आप सबको चार्जिंग केबल देखने को मिलते हैं, मैंने इसके चार्जिंग केबल टेस्ट किया था ये वर्क नहीं कर रहे थे, बट एनीवेज नीचे में एक्स्ट्रा टिप्स देखने को मिलते हैं। तो ऑलमोस्ट पूरी सेम जैसे ओरिजिनल में होती है वैसे अनबॉक्सिंग एक्सपीरियंस होगा। फर्स्ट बिल्ड एंड लुक्स की बात करूं, टू कॉपी देखने को मिलते हैं। अगर कोई बंदा सामने से अगर आप वियर कर लो कि जिम पहन के जा रहे हो या मेट्रो में जा रहे हो, कोई बंदा लिख के ले लो बता नहीं सकता है कि ये फेक वाले, मतलब वो सोचेगा यार 28,000 वाले एयरपोर्ट ओरिजिनल वाले ये चला रहा है। वेट की बात करूं तो अगर कोई बंदे को ये हाथ में भी दे दोगे ना फिर भी नहीं पहचान पाएगा, इसका वेट ऑलमोस्ट जैसे ओरिजिनल का वेट होता है वैसा ही है। तो मार्केट में ना और भी सस्ते 300-400 वाले होते हैं, मैंने उसका वेट भी देखा, वो फील हो जाता है हाथ में उठाने पे कि हाँ ये सस्ते वाले फेक वाले हैं क्लोन वाले हैं, बट ये टू रियल है यार। लुक्स वाइज देखो, बिल्ड देखो, जो हिंज है अगर केस को ओपन करोगे फील है, अगर बड्स को निकाल के कान में डालोगे ऑलमोस्ट एप्पल एयरपॉड्स जैसे लगेंगे, बट है नहीं। बड्स की बात करूं प्राइस वही जैसे ओरिजिनल में, लेनियर पोर्ट देखने को मिलता है, नीचे में स्पीकर ग्रिल भी देखने को मिलता है और चार्जिंग में वर्क कर रहा था, मैंने चेक किया लाइक दिस। बाकी चार्जिंग पोर्ट बैक में वही प्रिंटेड जो लिखा है डिजाइन बाय एप्पल, उसके नीचे होल्ड एंड प्रेस वाला बटन, मतलब पूरा ओवरऑल ऊपर से नीचे सेम है। एक चीज बताना चाहूंगा बड्स पे ना, यहाँ पे एक ब्लैक वाला आपने देखा होगा, यहाँ भी आप सबको ग्रिल्स देखने को मिलते हैं, नॉइस कैंसिलेशन के लिए हेल्प करते हैं। सस्ते वाले देखोगे तो एक बस ब्लैक सा लेबल चिपका के दे देते हैं, बट इसमें वो ग्रिल थी कि जैसे ही मैं लिड को हटा रहा था मेरे आईफोन के साथ ये पेयर हो जा रहा था। मैंने फर्स्ट टाइम जहां से लिया था उसको मैंने पेयर करके चेक किया था, मेरे आईफोन के साथ शो कर रहा था कि भाई कनेक्ट कर लो। टच सेंसर्स भी वर्क कर रहे थे जैसे वॉल्यूम अप डाउन करना है, तो ऑटो डिटेक्शन भी वर्क कर रहा था प्रॉपरली, मतलब फीचर दिया हुआ है, म्यूजिक चल रही है, अगर निकाल देते हो बर्ड्स तो म्यूजिक बंद हो जाएगा। नहीं नहीं, बर्ड्स कनेक्ट होने पे मैंने इन डिटेल देखा कि इसमें नॉइस कैंसिलेशन और ट्रांसपेरेंसी मोड भी दिखा रहा था, बट पर्सनली मैंने चेक किया कुछ डिफरेंस नहीं पता चल रहा था, मतलब बस दिखाने के लिए दिया हुआ। बाकी इसमें एक पर्सनलाइज्ड ऑडियो का भी ऑप्शन दिया हुआ था, बट वो फीचर भी बस दिखाने के लिए है, एज सच कोई वर्क नहीं करेगा। बट अगर मैं कंफर्ट की बात करूं तो देखो ओरिजिनल जैसे एक्सपेक्ट मत करना कि ओरिजिनल जैसे आप सबको फील देगा एकदम कंफर्टेबल, मैंने जितना वियर करके देखा अभी तक थोड़ा सा वैक्यूम बन जाता है अगर दोनों को पहन लेते हो तो, हल्का सा मेरे को लगता है कभी कभी निकालने की जरूरत पड़े बिकॉज पूरा ही पैक हो जाता है, वैक्यूम बन जाता है, तो जो ओरिजिनल वाली कंफर्टेबिलिटी तो नहीं डेफिनेटली प्रोवाइड करेगा, बट हाँ डिसेंट है। मतलब बात करूं म्यूजिक क्वालिटी की तो सबसे पहली चीज बेस की अगर मैं बात करूं तो बेस काफी अच्छा खासा दिया हुआ है, मतलब आप सब एक्सपेक्ट करोगे 3-4 हजार के जो बर्ड्स आप सबको प्रोवाइड करते हैं बेस उस लेवल का डला हुआ है, बट वो क्वालिटी जैसे ओरिजिनल में होती वो एक्सपेक्ट बिल्कुल मत करना, बिकॉज मैंने चेक किए मिड्स और हाइज में थोड़ी गड़बड़ थी। बट सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि अगर 100 वॉल्यूम पे सुनोगे तो कान आपके बहुत चुभती आवाजें समझो, वही अगर 60 से 70 लेवल पे सुनोगे तो मैं बोलूंगा डिसेंट क्वालिटी आप सबको प्रोवाइड कर देगा। 600 रुपए की है तो उसके हिसाब से मैं बोलूंगा ओके ओके म्यूजिक क्वालिटी। मुझे चेक करना था कि क्या ये ओरिजिनल सही में है, तो मैंने सबसे पहले चेक किया इसके बॉक्स में जो सीरियल नंबर था वो मैंने अपनी खुद सिस्टम में डाल के देखा, वो शो कर रहा था और वो शो भी कर रहा था कि पुराना वाला एयरपॉड्स प्रो 2 है। बट वही जब मैंने कनेक्ट कर लिया ना, और कनेक्ट करने के बाद आपको बताऊंगा हमारे एप्पल सपोर्ट में आप सबको एक सीरियल नंबर कनेक्ट करने में शो करता है, वो सीरियल नंबर डाला तो कुछ शो नहीं किया, मतलब समझ रहे हो ना लोचा कहां पे ये लोग कर रहे हैं। एक चीज से आप और पहचान सकते हो कि फेक है ओरिजिनल है, जैसे कि इसको ओपन करोगे तो फ्रंट में ना आप सबको यहाँ पे ना ऐसे ये थोड़ा सा इसमें आपकी उंगली जा रही होगी तो समझ जाना कि ये प्लास्टिक वाला मान मसाला डाला हुआ है, मतलब ये फेक वाले, बाकी ओरिजिनल में तो ऐसा सच कुछ नहीं होता। एंड ओवरऑल बैटरी की बात करूं तो 2-3 दिन आराम से चल जाएगा, बट इसमें भी छुपाने की बात नहीं,
नहीं है, मैंने चेक किया कि सडनली ड्रेन हो जा रही थी, बैटरी बैकअप उतना अच्छा नहीं है। बट देखो आपको पता होगा कि ये ईयरबड्स की कोई वारंटी गारंटी नहीं होती, और मेरे को ये ईयरबड्स लाए हुए हो गए हैं ऑलमोस्ट 1.5 महीने होने जा रहे हैं, और 1.5 महीने तक ये ईयरबड्स प्रॉपरली वर्क कर रहा था। मैं क्यों कह रहा हूँ ये कर रहा था, मैं सडनली मेरे साथ इंसिडेंट क्या हुआ, मैं इसको जस्ट अपने ये जो बॉक्स के साथ केबल आते हैं मैंने इसके साथ चार्ज करने की कोशिश किया, पता नहीं क्या हुआ उसके टाइम से ये चार्ज ही नहीं उठा रहा। साफ सिंपल सी बात है, 1.5 महीने तक ये ईयरबड्स चले, 600 रुपए के थे, इनकी कोई वारंटी गारंटी होती नहीं, अगर आप ऑफलाइन मार्केट से ले रहे हो तो पता भी चल गया होगा। और ये चीज मैं छुपा सकता था, बट यार मेरे को छुपाने में क्या जाएगा, आपको पता चल जाए कि ऑफलाइन मार्केट में क्या चीजें हो रही है, कितने ये एयरपोर्ट फेक वाले साथ देंगे नहीं देंगे, ये भी चीज आप सबको पता होनी चाहिए। और कंक्लूजन की बात करूं तो यार आई गेस के आप लोग ये वाले पॉइंट तक अगर किसी ने वीडियो देखी है तो आई होप सो आप इसको नहीं लोगे, और मैं खुद रिकमेंड नहीं करूंगा। देखो अगर 600 रुपए लगा रहे हो और 500 रुपए लगाओगे तो आप सबको बोट के अच्छे खासे ईयरबड्स TWS मिल जाएंगे, जो ब्रांडेड होंगे, जो वारंटी जिनकी अच्छी रहती है। तो मैं पर्सनली रिकमेंड करूंगा उनके साथ जाना ऑफलाइन मार्केट में। हाँ अगर चाह रहे हो थोड़ी आपके लिए लुक मैटर करते हैं इंस्टेड ऑफ आपका बर्ड ज्यादा चले तो आप सब परचेस कर सकते हो। बाकी देखो हमारा काम तो चीजों को लाना ही है, टेस्ट करना है आपके लिए, ताकि सारी चीजें मैं शो कर सकूं, एकदम सच्चाई आपके सामने ला के रख सकूं। बाकी होपफुली वीडियो देख के पसंद आई तो प्लीज लाइक करके सब्सक्राइब कर देना, और हम मिलते हैं आप सबको ऐसे ही अनदर एक्साइटेड वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू सून।